अब की बार हिंदी में 90 पार। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 आप देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये वीडियो कक्षा 10th वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी के कुछ गारंटेड क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, विद सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो आपके वायरल क्वेश्चंस हैं, जो आपके 100% पूछे जाएंगे। और ये पेपर में आने वाले आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ वायरल क्वेश्चन है जो आपके गारंटेड हैं और 100% आपके हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो आप केवल हिंदी के ये प्रश्न तैयार कर लो, बोर्ड परीक्षा 2024 में हिंदी के पेपर में आप 90+ फोड़ कर आओगे। और हिंदी के वायरल प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आपके 100% हैं वो पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो कक्षा 10th वाले बच्चों के लिए स्पेशल है। और अगर आप राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 आप देने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो को आपको कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि 100% पेपर में छपने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, और वो भी मैं आपको उत्तर सहित बताऊंगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यहां पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न नंबर 1 है आपके कि राज धर्म का क्या आशय है। तो क्वेश्चन है वो आपके इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राज धर्म है उसका क्या आशय है, राज धर्म से आपका क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है। और अथवा में मैंने लिया क्वेश्चन यही है, यानी आंसर दोनों का एक ही है, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप है वो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है वो क्या होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आंसर है वो आपके एक ही है। एक क्वेश्चन है आपके कि राज धर्म का क्या आशय है, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन से वो आपके पूछा जा सकता है कि गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म है वो क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आपको याद करना है, क्या आंसर आपको लिखना है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, कि गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म होता है वो अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। और अच्छा राजा अपनी प्रजा को सताता नहीं है अपितु उसको संकट से बचाता है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को आप लिख ले साथ साथ, और आपको लिख लिख कर इन क्वेश्चंस को याद करना है। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है 100% गारंटेड क्वेश्चन है कि आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है। कि आत्मकथ्य कविता है उसमें जो कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने महान कवि की विनम्रता है वो किस प्रकार व्यक्त की है। तो इसका आंसर आपको क्या याद करना है, तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, और यहाँ पर लिखना है कि जयशंकर प्रसाद एक महान कवि और प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। कि जयशंकर प्रसाद जी हैं वो एक महान कवि और प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, और वह कामायनी जैसे अमर महाकवि के प्रेरणाता माने जाते थे। इस पर भी उनका स्वयं का छोटा या साधारण व्यक्ति कहना उनकी विनम्रता शालीनता और अहंकार शून्यता को प्रकाशित करता है, और वह अपनी दुर्बलताओं को सार्वजनिक रूप में स्वीकार करना उनकी महानता का प्रमाण है। तो ये आंसर प्यारे बच्चों आपको याद करना है कि जयशंकर प्रसाद हैं वो एक महान कवि और प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, और वह कामायनी जैसे अमर महाकवि के प्रेरणाता माने जाते थे। इस पर भी उनका स्वयं का छोटा या साधारण व्यक्ति कहना उनकी विनम्रता शालीनता और अहंकार शून्यता को प्रकाशित करता है, और वह अपनी दुर्बलताओं को सार्वजनिक रूप में स्वीकार करना उनकी महानता का क्या माना जाता है, प्रमाण माना जाता है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके, तीसरा क्वेश्चन है कि कैप्टन कौन था और वह मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल दिया करता था। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं मेरे बच्चों आपको, एक तो क्वेश्चन क्या है आपके कि कैप्टन कौन था, और दूसरा प्रश्न इसी में इंक्लूड है आपके कि वह मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल दिया करता था। ये क्वेश्चन भी काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, और इस बार 2024 की बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपके 100% पूछा जाएगा। तो देखिए कैप्टन कौन था, पान वाले ने हालदार साहब को बताया कि कैप्टन है वो एक चश्मे बेचने वाला है, और उसके पास जब कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा मांगने आता है तो वह उसे मूर्ति वाला फ्रेम देकर उसकी जगह दूसरा फ्रेम लगा देता है। और अब हालदार साहब को असली बात समझ में आई, उन्होंने अनुमान लगाया कि जब ग्राहक मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा फ्रेम चाहता होगा तो वह मूर्ति वाला फ्रेम उसे देकर दूसरा फ्रेम लगा देता होगा। इसके पीछे कैप्टन चश्मे वाले की मजबूरी यह थी कि उसके पास सीमित मात्रा में फ्रेम थे और नेताजी की मूर्ति को वह बिना चश्मे के नहीं रहने देना चाहता था। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है कि पान वाले ने हालदार साहब को बताया कि कैप्टन एक चश्मे बेचने वाला था। तो इस प्रकार से ये पूरा उत्तर आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके पेपर में हिंदी के पेपर में छप चुका है मेरे बच्चों, अच्छे से आपको तैयार करना है कि बाल गोपीन भगत के चरित्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो बाल गोपीन भगत है उसके चरित्र की आपको दो विशेषताएं लिखनी है, और एग्जाम में भी आपको उत्तर ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर उत्तर आपको लिखना है। और यहाँ पर पहला पॉइंट आपके यानी पहली विशेषता है, तो बाल गोपीन भगत उनके चरित्र की उनके करेक्टर की जो पहली विशेषता है वो क्या है कि बाल गोपीन भगत के हृदय में नारी जाति के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव है। तो ये पहली विशेषता है बाल गोपीन भगत की। और दूसरी विशेषता क्या है कि बाल गोपीन एक सुलझे हुए दूरदर्शी व्यक्ति हैं, कि जो बाल गोपीन भक्त हैं वो एक सुलझे हुए और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। तो ये दो विशेषताएं आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि मन्नू भंडारी और उसके पिता के बीच मतभेद के दो कारण लिखिए। तो मन्नू भंडारी और उसके पिता के बीच जो मतभेद हुए थे उनके कोई दो रीजन आपको बताने हैं, उनके दो कारण आपको बताने हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके वायरल क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। तो लेखिका और उसके पिता के मतभेदों और टकराहट का मुख्य कारण उनके विचारों का परस्पर विरोधी होना था, कि लेखिका और उसके पिता के जो मतभेद हैं और जो टकराहट है उनका मुख्य कारण क्या है, उनके विचारों का परस्पर विरोधी होना था। और लेखिका के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी देश और समाज के हालातों से क्या है परिचित हो और प्रगतिशील सोच वाली बने, लेकिन वह उसे घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका को पिता की यह सीमा स्वीकार नहीं थी, उनकी बेटी लड़कों के साथ शहर की सड़कों पर नारे लगाती, हड़ताल कराती और जुलूस निकालती घूमती रहती थी। तो उस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और उसके बाद में देखिए छठा प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि मुहर्रम में बिस्मिल्ला खां के जुड़ाव को बताइए। तो मुहर्रम में बिस्मिल्ला खां हैं, उनके जुड़ाव है, उनको आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके कि बिस्मिल्ला खां एक सच्चे मुसलमान की श्रद्धा भावना से मुहर्रम में भाग लेते थे, और मुहर्रम के दिनों में वह शहनाई का मर्यादित प्रयोग करते थे तथा कोई मंगल ध्वनि या राग रागिनी नहीं बजाते थे, और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए चलते थे। तो बिस्मिल्ला खाया वो एक सच्चे मुसलमान थे, और उनकी जो श्रद्धा भावना थी वो मुहर्रम में भाग लेते थे, और मुहर्रम के दिनों में वह सहनाई का मर्यादित प्रयोग करते थे और कोई मंगल ध्वनि या राग रागिनी नहीं बजाते थे। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए वो चलते थे।
और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, प्रश्न संख्या 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, अच्छे से आपको तैयार करना है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है वो किसे कहा जा सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि लेखक के अनुसार वास्तव में संस्कृत व्यक्ति वह है जिसने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नए तथ्य का दर्शन या आविष्कार किया है। कि लेखक के अनुसार वास्तव में रियल में संस्कृत व्यक्ति वह माना जाता है जिसने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नए तथ्य का दर्शन या आविष्कार किया है, और ऐसा व्यक्ति पेट भरा होने और तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठ सकता। कि ऐसा व्यक्ति है वो पेट भरा होने और तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं बैठ सकता, और वह निरंतर नए तथ्यों की खोज में लगा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को लेखक ने संस्कृत व्यक्ति माना है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपकी, कि माता का अंचल पाठ का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, अच्छे से आपको तैयार करना है। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है कि माता का अंचल पाठ है उसका केंद्रीय भाव है वो आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है कि माता का अंचल पाठ में लेखक ने ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। कि माता का अंचल पाठ है उसमें लेखक ने ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का आकर्षक चित्र है वो प्रस्तुत किया है, और इसमें बालकों के खेल और उत्सुकता, माता की ममता और पिता का दुलार, लोकगीत आदि शामिल किए गए हैं, और शहर की चंकाचौंध से अलग गांव की चित्रित किया गया है, और बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक प्रवेश है उनका भी सुंदर चित्रण किया है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9 है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन क्या है आपके कि कवि लॉन्ग स्ट्रोक जगह का क्या महत्व है। कि कवि लॉन्ग स्ट्रोक जगह है उसका क्या महत्व है, और साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। तो कवि लॉन्ग स्ट्रोक जगह है उसका क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे याद करना है कि कवि लॉन्ग स्ट्रोक वह स्थान है, वह जगह है जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और तिब्बत के चीस के बमसन ने स्थानीय जाति के बीच झगड़ों के बाद यहां पर ही शांति वार्ता शुरू हुई थी। कि कवि लॉन्ग स्ट्रोक वह स्थान है, वह जगह है जहां गाइड फिल्म उसकी शूटिंग हुई थी, और तिब्बत के चीस के बमसन ने स्थानीय जाति के बीच झगड़ों के बाद यहां पर जो शांति वार्ता शुरू हुई थी तो उसको कवि ने लॉन्ग स्ट्रोक जगह माना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके, ये वाला प्रश्न भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटेड क्वेश्चन है। तो अच्छे से तैयार करना है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है। तो मैं क्यों लिखता हूँ एक चैप्टर का नाम है आपके हिंदी में, और इस पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है। तो आंसर होगा आपके हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का वर्णन किया है। तो इस चैप्टर में मैं क्यों लिखता हूं, इस पाठ में लेखक ने विभीषिका का वर्णन किया है, किस विभीषिका का वर्णन किया है, हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का वर्णन किया है। तो अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आपने एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।